सो गाइस, आप लोग अपना एक आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आप लोग आधार सेंटर किस तरह से ओपन करेंगे, जिसमें आप लोग एक आधार के बीसी एजेंट बन जाएंगे और वहां पे आधार से टोटली चीजें आप लोग अपडेट कर सकते हैं। किसी भी आधार कार्ड से लेके किसी भी पर्सन को अपना नाम पता वगैरह चेंज कराना, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह सभी चीजें आप लोग चेंज कर सकते हैं और अपना एक स्वयं का आधार सेंटर अपने घर पे बैठ के खोल सकते हैं। गाइज, किस तरह से आपको वो आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको वो सेंटर मिल पाएगा, तो इस वीडियो के अंदर उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपना आधार सेंटर यहाँ पे खोल पाएंगे। तो सिंपली आप लोग क्या करना है गाइज, आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सिंपली अपने पास में रखना है। और साथ में बता दें कि आप लोगों को कुछ यहाँ पे जानकारी दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लास्ट में देने वाला हूं मैं इस वीडियो के में। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है प्लीज, और आधार सेंटर किस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैग वंस को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी टाइप की क्वेरी आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके या फिर कॉमेंट करके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आधार सेंटर खोलने के लिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी साइड पर जाके आप लोगों को डायरेक्टली क्लिक कर देना है और आप लोग आधार सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लिंक पर आप लोगों ने क्लिक किया, आप लोग डायरेक्टली इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा लिंक पर क्लिक करने के बाद में, या फिर आप लोग गूगल पर भी डाल सकते हैं MPACDC एंड आप लोगों को डालना आधार AADHAAR। सिंपली आप लोग डाल देते हैं, इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, आप लोग वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको बता दें यहाँ पे कि आप लोग किस तरह से अपना आधार सेंटर रजिस्टर कर सकते हैं। गाइस, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोगों के एरिया वाइज आप लोगों के पास में कौन कौन से आधार सेंटर आपके यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस, आधार सेंटर लेने के लिए आप लोगों को अपना एंड मोबाइल नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है एंड वैलिड ईमेल एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद में कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे और फिर आप लोग सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अब गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को आधार रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आप लोग उस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देख लेगा प्लीज, तभी जाके आप लोगों को समझ में आ पाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिया गया क्लिक हियर फॉर व्यू आधार सेंटर एप्लीकेशन डैशबोर्ड एंड क्लिक हियर फॉर व्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज रनिंग सेंटर। अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज रनिंग सेंटर देखना चाहते हैं आपके एरिया में तो आप लोग नीचे वाले पे क्लिक करिए, बट आपको अपना आधार सेंटर खुद का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोगों को ऊपर वाले पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने आधार सेंटर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में ओपन है। तो सिंपली डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को दे दिए गए, यहाँ पे पूरी तरह से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं अच्छी तरीके। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करते जाना आपको जिस भी स्टेट में। गाइस, सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ज्यादातर यहाँ पे मध्य प्रदेश के यहाँ पे बताया गया, क्योंकि मैंने MP यहाँ पे सर्च किया है तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे बता दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में गाइस, जैसे कि मैं श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करूंगा, ये आई बटन दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जितने भी श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आधार सेंटर है पूरे मेरे सामने आ चुके हैं। एंड गाइस, उनका नाम जो आधार सेंटर चला रहे हैं उनका नाम, डिस्ट्रिक्ट एंड वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन या फिर रूरल है, सिंपली वो आ चुका है, लेटिट्यूड आ चुका है उनका, पिन कोड एड्रेस आ गया एंड स्टेटस आ गया, वेरीफाइड है फिर न्यू है एंड रिजेक्टेड है वो भी आ गया, सिंपली रिकमेंडेड क्या क्या रिमार्क्स है वो भी आ गया। तो आपके सामने यहाँ पे पूरी डिटेल्स उनको दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पे बताया गया सेंटर एड्रेस भी आपको दिया गया है। तो इनमें से आपके आसपास में आपके एरिया में जो भी सेंटर है आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है गाइज, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गाइज, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप लोग अपने घर पे बैठ के इसको रजिस्टर्ड कर पाएंगे बाद में। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपके एरिया वाइज जितने भी ये यहाँ पे कस्टमर्स हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका नाम आपको यहाँ पे दिया गया, आधार सेंटर जिनके नाम पर चल रहा है, तो गाइज उनसे आप लोगों को एक कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस वगैरह बायोडाटा दिया गया, तो उनके पास आपको जाके मिलना है और उनसे कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा कि आप लोगों ने किस तरह से आधार सेंटर को लिया था। तो सिंपली आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करिएगा, जैसे आप लोग कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे गाइज। प्रोसेस जानने के बाद में आप लोग अपने घर पे बैठ के ही, जहां से मैंने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको बताया था, वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपके पास में ईमेल आएगा गाइस, उस ईमेल के बाद में ही आप लोग अपना आधार सेंटर रजिस्टर कर पाएंगे न्यू। तो सिंपली इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपने घर पे बैठ के अपना आधार सेंटर ओनली 7 डेज के अंदर ओपन कर सकते हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू इसके अंदर लगे रहते हैं तो।
तो गाइज उम्मीद करेंगे ये जानकारी आप भलीभांति समझ पाए होंगे। गाइज ओनली आपको जानकारी बताई मैंने यहाँ पे, अदर सेंटर मुझे चाहिए नहीं इसलिए मैंने ओपन करके नहीं दिखाया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना एंड अपने दोस्तों में भी बताना गाइज। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।